अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश टिटर पर वेलकम कहती हूँ आज के टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज कंपैरिजन ऑफ एजेक्टिव प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ एजेक्टिव की बात की थी आज हम कंपैरिजन की बात करने जा रहे हैं तो जो एबजेक्टिव है बेसिकली उनको थ्री वेज में कंपेयर किया जाता है एक है पॉजिटिव दूसरा है कंपेरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव अब होता क्या है हमने जब दो चीज़ों का कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना हो तो हम लोग सुपरलेटिव फॉर्म को यूज़ करते हैं अब इसमें होता है क्या है पॉजिटिव की पहले बात करते हैं जब हमारे पास कोई भी सिंगल एडजेक्टिव है हम सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं तो जो एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं यानी कि टॉल बिग स्मॉल ठीक है इस तरह के जो वर्ड होते हैं सिंगल वर्ड्स जो हैं जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखती हूं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट ठीक है तो मैं कहूंगी उसके पास जो आम है वो स्वीट है लेकिन साल के पास जो आम है वो स्वीटर है और अमजद के पास जो आम है वो स्वीटेस्ट है मतलब उसके पास जो आम था वो स्वीट था नॉर्मल क्वालिटी पॉजिटिव रिस्पॉन्स साल के पास जो आम है वो स्वीटर है यानी कि जो उसके पास आम है साल के पास उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आम है हमने दोनों के मैंगोस को कंपेयर किया और जो अमजद के पास आम था वो स्वीटेस्ट है यानी हमने इन तीनों मैंगोज़ को कंपेयर किया तो जो अमजद वाला था वो स्वीटेस्ट था वो ज़्यादा अच्छा मीठा था तो इसलिए हमने उसको वहाँ हम पे स्वीटेस्ट लिखा ठीक है पहले सिंगल था स्वीटर क्या हुआ दो को कंपेयर किया गया स्वीटेस्ट क्या हो गया दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया गया ठीक है तो इसमें जो स्वीटर था वो हमारी कम्पेरेटिव फॉर्म थी और जो स्वीटेस्ट था वो सुपरलेटिव फॉर्म थी अब होता है क्या है पॉजिटिव आपको समझ लग गया कि जब सिंगल एडजेक्टिव चल रहा है कंपेरेटिव में क्या होता है जिसमें हम दो पीपल को आइडियाज़ को और थिंग्स को कंपेयर करे होते हैं इसमें एडजेक्टिव जो है उसके हम एंड पे ई आर एड करते हैं मोस्टली मैं आपको रूल बता रही हूँ या हम मोर का यूज़ करते हैं ठीक है मोर या ई er? आर ठीक है इनका यूज होता है जैसा कि आ, हमारे पास वर्ड अगेन स्वीट था हम लोगों ने ई आर लगा दिया वो स्वीटर हो गया टॉल है टॉलर लगा दिया फास्ट है फास्टर बना दिया बिग है बिगर बना दिया ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा ये हमारी कंपेरेटिव फॉर्म बन रही है इस तरह से ही हमारे पास अगर आपको फॉर्म ऑफ याद दो मोर मोस्ट मोस्ट ठीक है तो इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग तो हमने मोर लगा दिया कंपेरेटिव बन गया ठीक है मोर ब्यूटिफुल मोर टॉक्टिव रीडेबल मोर रीडेबल मोस्ट रीडेबल तो जहाँ पे हम मोर लगा रहे वो भी हमारा कंपेरेटिव के अंदर फॉल कर रहा है तो दिस इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स टू फॉर्म द कंपेरेटिव वी एट ई आर एट द एंड ऑफ द एजेक्टिव इट इज़ वन सेलेबल और मोर टू द एंड इफ इट इज़ टू और मोर सेल्लेबल वी आल्सो यूज द वर्ड देन टू कंपेयर द टू थिंग्स फॉर एग्जांपल बिगर टॉलर फोस्टर ठीक है ये तो ई थे आगे मैंने मोर की भी बता दी कि मोर इंटरेस्टिंग सो ऑन, अब सुपरलेटिव क्या होता है हम इसमें तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं और सुपरलेटिव को बनाने के लिए हम लोग ई एस टी लगाते हैं जैसा कि स्वीट था स्वीटर था और स्वीटेस्ट हो गया था है ना स्वीटेस्ट इस तरह से बिगेस्ट टॉलेस्ट फास्टेस्ट ठीक है ई एस टी लगता जाता है इसके अंदर और या तो ई एस टी या फिर मोस्ट जैसा कि इंटरेस्टिंग था मोर इंटरेस्टिंग बन गया फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग बन गया इन कंपैरिजन की फॉर्म को हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं और यहाँ पे कितनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है थ्री है पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल बोल्ड बोल्डर बोल्डस्ट क्लेवर क्लेवर क्लेवरेस्ट काइंड काइंड काइंडर काइंडस्ट ठीक है ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, और अगर किसी वर्ड के एंड पे वाई हो ना, हम वाई काट के आई ई आर आई ई एस टी लगाते हैं जैसे कि हैप्पी हैप्पीअर हैपीएस्ट ईजी ईजियर ईजीएस्ट हैवी हैवियर हैवीएस्ट सब में हम बाय काट के आई आर और आई एस टी लगाएंगे अच्छा ये तो हो गई पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव अब कुछ हमारे पास इरेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं यानी जहाँ पे हम लोग ई आर ई एस टी नहीं लगाते वो इरेगुलर होते हैं। जैसे कि गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वोस्ट फॉर फारदर फस्ट नियर नीरर नियरेस्ट और इसके अलावा जी बैड मैंने बता दिया लिटल लेस नी मोर मोस्ट ले क्या है ये इेगुलर फॉर्म है जिसमें अप अपर अपमोस्ट या अपर मोस्ट इस तरह से इन की बात की जाए तो इनर इन मोस्ट या इनर मोस्ट ठीक है ये इरेगुलर होते हैं कुछ कुछ कंपेरिजन तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑफ एजेक्टिवस ये अगर रैन ऑन मार्टिन मार्टिन आके पास ग्रामर है तो उसके अंदर पेज नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री पे आपको मिल जाएंगी ये वाली फॉर्म सारी की सारी तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आई होप कि आपको जो पॉइंट है कंपैरिजन का कि पॉजिटिव क्या होते हैं कंपैरेटिव क्या होते हैं सुपरलेटिव क्या होते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है क्लियर हो गया होगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दुआ में खास यात्री खा, स्टेटियों ने दस्टेक किया